क्या आप मेट्रो का टिकट के लिए लाइन में लग लग के थक चुके हो, या आप चाहते हो जल्दी से मेरा टोकन मिल जाए या मुझे कार्ड रिचार्ज हो जाए मेरा, तो मैं मेट्रो में सफ़र कर सकूँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल दो तरह आप टिकट ले सकते हो, एक टोकन के रूप में या फिर कार्ड के रूप में, जो कि हमें रिचार्ज करना पड़ता है या लेना पड़ता है। दोस्तों आज मैं इस एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप मेट्रो का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो, जो कि 60 मिनट के टाइम आपको देगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में आ जाना है, वहाँ प्ले स्टोर में चले जाना है, वहाँ पर आपको राइडलर या फिर रिडलर आपको लिख देना है। मैं टाइप कर लेता हूँ RIDLR। दोस्तों मेट्रो के ऑफिशियल ऐप है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसे ओपन करते हैं तो लोकेशन के लिए आपको एग्री करना होगा, अलाउ करना होगा, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है इस ऐप के अंदर में। सबसे पहले तो आपको देखिए आप सेटिंग में चले जाना, वहाँ देखिए ऊपर लॉगिन होम, ये अभी काम की जरूरत नहीं है। इसे वापस हम बैक चले जाते हैं। यहाँ पर आपको बाय एयर रिचार्ज के बगल में आपको फाइंड माई ट्रैवल लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको टाइम टेबल, फाइंड अ रूट, नियर बाय शॉप और ट्रैफिक आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से। फिलहाल हम टोकन खरीदना है, बाय करना है, तो हम यहाँ पर हम क्लिक कर दे दिल्ली मेट्रो के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको QR टिकट लिखा हुआ, एक लिखा हुआ ट्रिप पास। फिलहाल हमें टिकट बुक करनी है, एक सिंगल टिकट, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अपना लॉगिन कर लेना है, आपको डिटेल डाल के नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और एक रेफरल कोड, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डालोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप बाइक आपके टोकन में पैसे कम हो जाएंगे और अब इसे आप ऐड कर सकते हो मैं टोकन मनी में। तो आप इसको अलाउ कर देना है, मैंने अपना नंबर सबको डाल दिया और रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आपको अलाउ कर देना है, फिर अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक OTP आएगा आपके फ़ोन में, जो आपने नंबर डाला होगा। तो उस तरह की इस तरह का आपको जगह मिल जाता है। यहाँ पे आपको टिकट सब कुछ डिटेल लिखी आप पढ़ लेना है, आपको इसे कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करते हैं, वहाँ देखिए सबसे पहले आपको ट्रिप कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पर एंड करनी है आपको देखो मिल जाता है। तो चलिए ओरिजिन में डाल देते हैं, यहाँ से आपको ट्रिप स्टार्ट करनी है। फिलहाल देखिए आपको स्टेशन मिल जाता है, कुछ स्टेशन अभी दिल्ली में आगे जाकर ये कुछ स्टेशनों पे है, आगे जाकर सब में ये हो जाएगा। फिलहाल न्यू दिल्ली है, अगर आप दिल्ली वाले से आते हो या ट्रेन में से आते हो तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद जब देखिए एंड ट्रिप, जहाँ पे आपको जाना है, ट्रिप में जाना है, तो फिलहाल मैं धोला कोयल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कंटिन्यू करते हैं देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर। और दोस्तों एक खास बात यह है कि आपको 4-5 आपके दोस्त है, 10 लोग तक आप इसे ऐड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसमें। तो फिलहाल मैं एक के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसे प्रोसीड कर देता हूँ। ये प्रोसीड करते हैं, यहाँ देखिए पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखिए 40 रुपीज़ है यहाँ पर, या तो इसे UPI से कर लो। यहाँ देखिए फ़ोनपे और भीम यूपी लिखा हुआ है, इसके बगल में आपको कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, लास्ट में नेट बैंकिंग देने को मिल जाती है। फिलहाल मैं वापस UPI में चले जाता हूँ, UPI में करके मैं इसे प्रोसीड टू पे कर देता हूँ। तो सर देखिए ऑटोमेटिक फ़ोनपे में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको या तो UPI डाल सकते हो या मोबाइल नंबर डाल के इसे प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको टिकट को बाय कर लेता हूँ। जैसा बाय करते हो इस तरह का देखिए QR आपके फ़ोन में मिल जाता है। इस तरह या तो आप इसको प्रिंट जाकर बैटरी से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फ़ोन दिखाकर वहाँ पर स्कैन मशीन होगी, वहाँ पर सिंपली इस तरह कोड होगा, वहाँ पर आपको स्कैन कर देना और आपका एंट्री हो जाएगी। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो।